सो हे गाइस, आप सभी का फिर स्वागत करता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग टोटल वीडियो में। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका आप भी कैसे होली के लिए फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, एक नॉर्मल सी फोटो को कुछ इस तरीके से फोटो कैसे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि यार होली आने वाली है और जितना ज़्यादा जरूरी है ना होली को सेलिब्रेट करना रियलिटी में, उतना ही ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट करना होता है। तो यार फोटो एडिटिंग तो जरूरी है। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं गाइस, तो सिंपली एक इस तरह की पोज वाली फोटो को सेलेक्ट कर लेना, मतलब पोज कोई भी चल जाएगी, बस आप इसमें अच्छे से आपका लुक हो उस तरह एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना। और इस एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा गाइस, तो वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा ही मटेरियल का यूज़ करेंगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, तो आप मैनेज कर लेना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। और उससे पहले गाइस, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके भी बताना इस वीडियो को देखने के बाद कि फोटो एडिटिंग आपको कैसे लगती है। तो चलिए यार, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो गाइस, इसमें सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस, प्लस वाले आइकन को प्रेस करके एडिट को प्रेस करना, और उसके बाद आपको यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे प्रेस कर लेना एंड ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को प्रेस करना तो ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको टूल्स पे जाना है और क्रॉप को ओपन करना, और इसमें आपको इस तरह क्रॉप कर लेना है। तो ओके, देन इसे डन कर देंगे। और गाइस, इसमें आपको बैकग्राउंड को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम ऐड फोटो को प्रेस करेंगे और इस फोटो को ऐड कर लेंगे जो कलर्स हैं, और इस तरह कुछ सेट कर लेना। उसके बाद इस प्लस आइकन को प्रेस करके सिंपली ऐड फोटो को प्रेस करना, इस पीएनजी को ऐड कर लेंगे और ब्लेंड पे आके इसे स्क्रीन मोड कर देना। ओके, देन इसे लेफ्ट साइड पे रख लेना। और उसके बाद अगेन मैं ऐड करूँगा, मतलब इस पीएनजी को ऐड करूँगा ब्लू वाली को, और इसमें भी आपको ब्लेंड पे आके इसे स्क्रीन मोड कर देना है, इसे राइट साइड पर रखना है। तो इस तरह सेट कर लेंगे। और अगेन मैं ऐड फोटो पर आके सिंपली मैं अब अपने फोटो को ऐड करूँगा। तो जिसे आप एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को ऐड कर लेना, एंड ऐड करने के बाद इरेजर को प्रेस करेंगे। और इसकी बैकग्राउंड को मैं थोड़ा जल्दी से इरेज कर लेता हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाती है इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप किया हूँ। तो इरेज करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद गाइस, अब आपको प्लस वाले आइकन को अगेन प्रेस करके ऐड फोटो को प्रेस करना है, और इस पीएनजी को ऐड करके आपको ब्लेंड पे आना है और मल्टीप्लाई मोड करना है, और इसे अपने शर्ट पे चिपका देना है। तो इस तरह सेट करने के बाद इरेजर को प्रेस करेंगे और जितना भी टी शर्ट के बाहर दिख रहा है गाइस, उसे इरेज कर लेंगे। उससे पहले मैं ब्रश की सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ और जल्दी से मैं इरेज कर लेता हूँ जो भी बाहर है टी शर्ट के। तो बिल्कुल आपको इस तरह से इरेज कर लेनी है। तो ये हो गया, धन से डन कर देंगे। तो ये परफेक्टली सेट हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, सिंपली ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड इस पीएनजी को ऐड कर लेंगे, और इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ पहले एंड ब्लेंड पे आके स्क्रीन मोड कर दूंगा। सो ओके, और इस तरह सेट करेंगे। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना, देख लेना अपने हिसाब से। और अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे, मतलब प्लस वाले आइकन को प्रेस करके, और इसमें आपको इस फॉग वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो इसे मैं जस्ट ऑपोजिट पे कर लेता हूँ, मतलब उल्टा रख लेंगे और इस तरह सेट कर लेंगे। तो इसे ज़्यादा मत करना, इस तरह नीचे पे लास्ट पे ऐड कर लेना, मतलब सेट कर लेना। और उसके बाद इस पीएनजी को ऐड करेंगे रेड वाली को, एंड इसमें आपको ब्लेंड पे आके स्क्रीन मोड करना है सेम, और मैं इसको अपने लेफ्ट साइड पर इस तरह सेट कर लूँगा, और सेट करने के बाद इसे डन कर देंगे। सो इतना करने के बाद अब आ जाना है आपको ड्रा वाली ऑप्शन में, और यहाँ आने के बाद गए सबसे पहले आपको ब्रश को प्रेस करना है एंड ब्रश की सेटिंग को कुछ इस तरीके से रख लेना। पहले इस ब्रश को सेलेक्ट कर लेना एंड साइज और ओपेसिटी को थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस तरह, और कलर को प्रेस करेंगे एंड इसमें मैं ब्लू कलर को फाइंड कर लूँगा, मतलब चूज़ कर लूँगा। और इसमें गए सिंपली आपको ड्रॉ करना है, उससे पहले मैं इसे स्क्रीन मोड कर देता हूँ। और इसमें गए कुछ इस तरीके से आपको धीरे धीरे ड्रॉ कर लेना है। तो गाइस, ड्रॉ हो चुका है, तो अब मैं इसे जल्दी से सेव कर लेता हूँ अपनी फोटो को, क्योंकि रेडी हो चुकी है। एंड गाइस, आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो कि आप मेरे फेस पे देख सकते हैं पहले से रंग लगे हुए हैं जो कि ओरिजिनल है, मतलब होली के दिन की फोटो है मेरे पिछले साल की, तो मेरे जो फेस पे कलर है जो ओरिजिनल है। तो इसमें आपको बताना भूल गया कि आप कैसे अपने, मतलब बिना रंग लगे वाले फ़ोटो को कैसे रंग लगा सकते हैं अपने स्किन्स पे, मतलब फेक कलर कैसे लगा सकते हो। तो ये सिंपली आपको इसे प्रेस करना है, मतलब ब्रश वाले आइकन को प्रेस करना है एंड यहाँ आप थर्ड नंबर पे देख सकते हैं, इस ब्रश को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस ब्रश को सेलेक्ट कर सकते हो या फर्स्ट नंबर के थर्ड नंबर नीचे वाले थर्ड नंबर पे आपको प्रेस करके उसमें भी ड्रॉ कर सकोगे, तो आपका जो कलर है, मतलब स्किन पे कलर करोगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि रंग लगे हुए हैं होली का। तो इसमें सेटिंग भी आपको कुछ इस तरीके से करना है, मतलब देख सकते हैं, मतलब ओपेसिटी को आपको 15 के आसपास ही रखना है एंड साइज को अपने हिसाब से रख सकते हो, और कलर को प्रेस करना, और जो भी कलर आपको सेट करना है, मतलब वहाँ ड्रॉ करना है, रंग लगाना है अपने स्किन पे, वो कलर चूज़ कर लेना
और इस साइड ड्रॉ करेंगे गाइस तो देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल दिख रहा है। और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना, उसके बाद देखना पूरा ओरिजिनल ही दिखेगी। तो ये हो गया, इतना ही आपको बताना था। तो गाइस अब हम ओपन करेंगे लाइटरूम ऐप को, क्योंकि पिक्सआर्ट ऐप का काम हो चुका है। तो जल्दी से मैं लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेता हूँ और अपने फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो ये फाइनली गाइस हमारी फोटो ऐड हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं इस ऑप्शन पे आऊँगा एंड शार्पनिंग एंड नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा, और इस ऑप्शन पे आके क्लैरिटी को इंक्रीज कर लेना एंड वीकनेट को माइनस भी रख लेना। जो पहले वाले ऑप्शन में आए थे उस ऑप्शन में जाकर उसे थोड़ा सा कम कर लूँगा नॉइज रिडक्शन और शार्पनिंग को, तो बेटर है देन इस ऑप्शन में आ जाएंगे। एंड इसमें हम सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 2 या 3 पे, तो ये बेटर है। एंड नेक्स्ट टैब को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना 5 या 6 पे, ज़्यादा मत करना नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी। और लुमिनेंस को देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और ऑरेंज कलर में आके सैचुरेशन को कम कर लेंगे थोड़ा सा और लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेंगे। देन गाइस अब आ जाते हैं येलो कलर में, तो इसमें आपको व्यू को रखना होगा प्लस पे, इसमें आपको व्यू को रखना होगा माइनस पे एंड सैचुरेशन को इंक्रीज करके लुमिनेंस को थोड़ा सा माइनस पे रख लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे ग्रीन कलर में, तो इसमें व्यू को प्लस पे रखेंगे और लुमिनेंस को भी इंक्रीज कर लेंगे। देन गाइस ब्लू कलर पे आके व्यू को माइनस पे रखेंगे एंड सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेते हैं एंड व्यू को भी प्लस पे रखेंगे। एंड लुमिनेंस को मैं देख लेता हूँ, तो इसे मैं माइनस पे रख के देख लेता हूँ, तो ये प्लस पे ही ठीक है। एंड सैचुरेशन को कर लेता हूँ माइनस पे, तो ये परफेक्ट है। देन इसे मैं कर दूंगा डन। एंड डन करने के बाद गाइस इस ऑप्शन पे आ जाना, मतलब लाइट वाली ऑप्शन में, एंड इसमें एक्सपोजर को कम कर लेते हैं थोड़ा सा और शैडोज को मैं इंक्रीज करूँगा एंड हाईलाइट को देख लेते हैं, तो इसे भी इंक्रीज करेंगे। और कॉन्ट्रास्ट को मैं माइनस पे रखूँगा। देन गाइस वाइट्स को मैं रखूँगा माइनस पे एंड ब्लैक्स को देख लेते हैं, तो इसे भी प्लस, तो इसे हम प्लस पे रखेंगे। सो गाइस हमारी जो फोटो थी वो रेडी हो चुकी है सेव करने के लिए, तो पहले से बेटर है। तो चलिए मैं इसे जल्दी से सेव कर लेता हूँ। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। एंड गाइस आप फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं गाइस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।